अब अपने सारे गोंद के लड्डू बन के तैयार हैं, सर्दियों का इम्यूनिटी बूस्टर। आज मैं बनाने जा रही हूँ गोंद के लड्डू, तो जिसके लिए मैंने ये गोंद लगभग 200 ग्राम के करीब है, उसमें डालेंगे जो आटा, ये मैंने दरदरा गेहूं का आटा लिया है। आप चाहे तो आधा बारीक आटा और आधा दरदरा, या टोटली बारीक आटा भी ले सकते हैं, पर मैं टोटली दरदरा लेना ही पसंद करती हूँ। और ये है काजू, बादाम, अखरोट और पिस्ता का पाउडर। ये है खड़ी साकर या मिश्री जिसका पाउडर है। और ये है देसी गुड़, मैं गुड़ और ये चीनी दोनों डालना पसंद करती हूँ। अगर आप खाली गुड़ डालें तो गुड़ डाल सकते हैं, खाली चीनी डालें तो चीनी, और मेरी तरह दोनों डालना है तो दोनों डाल सकते हैं। ये देसी घी है रिक्वायरमेंट के हिसाब से, अभी और ज़रूरत पड़ेगी तो और लेंगे। और ये मैंने 3 सूखा नारियल था, हाफ हाफ काच ली जो, तो उसको ये कद्दूकस कर लिया है। और ये है 2 टीस्पून जायफल और इलायची का पाउडर है, और ये है 1 टेबल स्पून सूंठ का पाउडर। और अभी इसमें आप गंठोड़ा पाउडर, जो पिपरी मूल का पाउडर बोलते हैं, वो भी डाल सकते हैं, और आप और जो भी मिश्री और वो सब डालना चाहते हैं, मूसली, वो भी डाल सकते हैं। तो अब सबसे पहले अपने गोंद को तलते हैं घी के अंदर। ड्राई फ्रूट में ये काजू, बादाम, पिस्ता और अखरोट लिया है, इसको मैं दरदरा कूट लेती हूँ, तो ये भी अपने गोंद के लड्डू में डालेंगे। और ये है पीली खड़ी साकर मिश्री जिसका इस तरह से पाउडर है, ये मैं ज़्यादातर ये पीली खड़ी साकर का ही पाउडर इस्तेमाल करती हूँ, तो ये भी अपने लेंगे। ये कढ़ाई में मैंने घी गरम होने के लिए रख दिया है, और ये बढ़िया सा अपना घी हो गया है गरम। और अब इसमें अपने पहले तो डालेंगे गोंद और उसको तल लेते हैं। तो ये डाल रहे हैं अपने गोंद, पहले थोड़ा डाल के देखते हैं कि अच्छे से घी गरम हुआ है कि नहीं, नहीं तो ये कड़क हो जाएगा तो गोंद मज़ा भी नहीं आएगी। तो घी हो गया है बढ़िया सा, अब अपने सारा गोंद इसी तरह से तल लेते हैं। गोंद को अपने मध्यम आंच पे ही तलेंगे ताकि एकदम से वो जल के लाल भी ना हो जाए, और अच्छे से बढ़िया तल जाए। ये गोंद में से जब तक चरचर आवाज़ आ रही है तब तक समझ ले कि वो अच्छे से हुआ नहीं है, जब आवाज़ आनी बंद हो जाए तो गोंद हो गया है। बस इस तरह से सारा अपने निकाल लेंगे। आप चाहे तो गोंद को मिक्सर में बारीक करके और घी के अंदर भून के भी बना सकते हैं, पर मैं इस तरह से पसंद करती हूँ। तो बस ये अभी इसको निकाल लेते हैं, हो गया है गोंद अपना। ये अब अपना सारा गोंद हल्का सुनहरा तल के रेडी हो गया है। अब अपने ये जो घी में गोंद तला था उसी के अंदर अपने ये डाल देते हैं अपना आटा, और इसको भी इसी के अंदर अच्छे से भून लेते हैं। मध्यम आंच पे भूनेंगे इसको और इसको बढ़िया सा होने देंगे, और इसके अंदर थोड़ा सा और घी डालेंगे क्योंकि इसके अंदर अभी घी की रिक्वायरमेंट है। तो इसको मध्यम आंच पे ये अपना आटा, गेहूं का दरदरा आटा भूनते हैं। ये गेहूं के दरदरे आटे को भूनते हुए मेरे को 4-5 मिनट हुए हैं। इसको बस बिल्कुल
मीडियम से स्लो आंच पे ही भुनना है ताकि आटा अच्छे से पक जाए, और अगर ज़रूरत पड़े तो और घी डालेंगे। ये मैंने एक कटोरी घी और डाला ही था, तो इसको अच्छे से अभी और भूनते हैं। ये अब अपना आटा बढ़िया सा गोल्डन ब्राउन भून के रेडी हो गया है। अब इसी आटे के अंदर अपने ये नारियल का जो कद्दूकस किया हुआ छीण है वो डाल देंगे, और इसको आप चाहे तो कढ़ाई में ड्राई रोस्ट भी कर सकते हैं, पर आटा आप में ही इतना गर्म है कि इसको आपको अलग से भूनने की ज़रूरत नहीं है, और गैस को कर देंगे बंद। और अब ये गया अपना नारियल का बुरादा, और ये सूंठ पाउडर भी इसी स्टेज पे डाल देंगे ताकि ये भी थोड़ा बढ़िया सा अच्छे से कुक हो जाए, और इसको अच्छे से कर देते हैं मिक्स। लगातार चलाते रहना पड़ेगा क्योंकि आटा अभी काफ़ी गर्म है, गैस अभी अभी बंद किया है, और ये अपना नारियल का बुरादा इसके अंदर ही बढ़िया सा पक जाएगा, क्योंकि ये घी में सिका हुआ आटा इतना ज़्यादा गर्म होता है। मेरे को गुड़ डालना है, पर थोड़े गुड़ आप इसी स्टेज पे गुड़ एकदम अगर बारीक चक्कू से या कद्दूकस किया है तो डाल सकते हैं, पर मैंने थोड़ा बड़े बड़े टुकड़े भी हैं इसलिए मैं उसको थोड़ा कढ़ाई में मेल्ट करने के बाद डालूँगी। तो ये अपना बुरादा हो गया मिक्स, इसको अभी लगातार 2-3 मिनट चलाते रहते हैं ताकि ये जले नहीं। अब इसी कढ़ाई में अपने ये गुड़ डाल देंगे। कढ़ाई में मैंने कोई भी घी या कुछ भी डाला नहीं है, ये अपने इसको ऐसे ही सिर्फ गुड़ को मेल्ट कराना है। तो बस इसको लगातार मीडियम आंच पे मेल्ट होने देंगे। ये गुड़ अपना अच्छे से मेल्ट हो गया है, बस इसको इतना ही मेल्ट करना है, सिर्फ मेल्ट ही करना है, नहीं तो ये चाशनी जैसा कड़क हो जाएगा तो लड्डू भी कड़क बनेंगे। और अब इसको अपने ये बर्तन में नहीं रहने देंगे, तुरंत ये मिक्सर में ट्रांसफ़र कर लेते हैं, नहीं तो ये पड़ा पड़ा इसमें कड़क चाशनी जैसा बनता जाएगा। तो ये गया अपना मेल्ट किया हुआ गुड़, तो इसको तुरंत इसमें कर दिया ट्रांसफ़र, और अब इसको अच्छे से फटाफट पहले कर लेते हैं जल्दी से मिक्स, नहीं तो गुड़ जल्दी से एक ही जगह जमने लगता है। तो बढ़िया सा अपना पहले तो गुड़ डाल दिया, इसको अच्छे से कर लेते हैं मिक्स। तो ये देखिए अपना मिक्सचर गुड़ वाला तैयार है। ये गोंद को अब मैं मिक्सचर में पीस लेती हूँ, आप चाहें तो इसको कूट भी सकते हैं। तो मैं मिक्सचर में सारा गोंद पहले तो पीस लेती हूँ। ये अब अपना सारा गोंद पीस के रेडी है, ये घी में तला हुआ था इसलिए इस तरह से थोड़ा पेस्ट फॉर्म में हो गया है। तो ये अपना डाल देते हैं सारा गोंद, और इसी स्टेज पे अब डाल देंगे ये अपनी पिसी हुई शक्कर, खड़ी साकर या मिश्री, ये है इलायची और जायफल का पाउडर, और ये अपने काजू बादाम पिस्ता और अखरोट का पीस के मैंने जो पाउडर बनाया था वो डाल दिया। और अब अपने इसको अच्छे से कर देते हैं मिक्स, और ज़रूरत लगी तो घी डालेंगे, और अगर ऐसे ही लड्डू बन रहे हैं तो घी डालने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी। तो बस इसको अच्छे से मिक्स कर देते हैं, और ये हल्का सा गर्म है तभी इसके लड्डू बना लेंगे, नहीं तो कड़क हो जाएगा। तो बस अब इसके लड्डू बनाते हैं मिक्सर को अच्छे से मिक्स करके। अब अपने ये गोंद के लड्डू इस तरह से बनाते रहेंगे। तो ये देखिए मैंने बनाया, ऐसे बना बना के रख रहे हैं। अगर नहीं बन रहा है तो घी की ज़रूरत है, थोड़ा घी और डाल के बांधे। तो इसी तरह से अब अपने सारे लड्डू बना लेंगे, जितनी साइज का चाहिए उस हिसाब से बनाए ताकि एक बार में एक लड्डू किसी को भी दे तो खप जाए। अब देखिए इस तरह से ये अपने ले लेंगे, और इसको थोड़ा प्रेस करके गोल गोल घुमाते रहेंगे
ताकि बढ़िया सा लड्डू अपना बन के रेडी हो जाए और साइज आप अपने हिसाब से बना सकते हैं। तो ये देखिए इसी तरह से सारे लड्डू बनाएंगे और ये मैंने सारे लड्डू इस तरह से बना लिए हैं। अब अपने बढ़िया से ये गोंद के सारे लड्डू बन के तैयार हो गए हैं ठंडी के लिए, बढ़िया सा इम्यूनिटी बूस्टर, हेल्थ को इम्प्रूव करने वाला, बड़े बच्चों से लेके बूढ़े तक सबको खिलाएं ताकि सबकी हेल्थ भी बनी रहे, इम्यूनिटी अच्छी रहे। तो ये मेरा बढ़िया सा गोंद का लड्डू बनके तैयार है। और अगर आपको इसमें और ज़्यादा टेस्ट चाहिए तो मैंने तो गेहूं का टोटली दरदरा आटा लिया है, पर आप दरदरा और महीन बारीक दोनों 50-50% आटा लें तो आपको और भी टेस्टी लगेगा लड्डू। तो ये बढ़िया सा अपना गोंद का लड्डू बनके रेडी है, रेडी टू ईट। आप भी इसी तरह से बनाएं, खाएं, खिलाएं, हैव अ नाइस डे। ये गोंद के लड्डू को मैंने डब्बे में स्टोर करके इस तरह से रख लिया है। मेरे वीडियो को इसी तरह से देखने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में आने वाले बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बिल्कुल समय से मिल जाए। थैंक यू।